सो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं आपका दोस्त हर्ष और आज की इस वीडियो में हम पूरा करने वाले हैं इस एनिमेशन को। तो गाइस, मैंने इस प्रोजेक्ट को कवर किया है 2.79 वर्जन में ब्लेंडर के। अगर आप ब्लेंडर का कोई लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं, मे बी 2.9, तो भी आप इस एनिमेशन को बना सकते हैं बिना किसी कठिनाई के। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हम आ चुके हैं हमारी ब्लेंडर के स्क्रीन पर और अब हम स्टार्ट करेंगे एनिमेशन के ऊपर काम करना। तो एक्स प्रेस करेंगे क्यूब को डिलीट करने के लिए, तो एक्स एंड डिलीट इट। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर से एफ बना हुआ है ऑब्जेक्ट डेटा पैनल, इस पर जाएंगे, एक्सट्रूड की वैल्यू को 0.1 कर देंगे और बेवल डेप्थ को हम कर देंगे 0.02, और जिससे कि यह हमारी अच्छी खासी थिकनेस में आ चुका है। अब हमें इसको रोटेट करना है RX90। तो ये रोटेट हो चुका है। अब रोटेट करने के बाद हमें इसको डुप्लीकेट करना है, तो शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम जो फर्स्ट टेक्स्ट है, हमारा टेक्स्ट बना हुआ है, इसको हाइड कर देंगे। यहाँ पर आई के बटन पर क्लिक करके और जो सेलेक्टेड है हमारा सेकंड टेक्स्ट, उस पर हम क्या करेंगे, टैब प्रेस करेंगे और इसको हटा के हम इसको कर देंगे चेंज। जो भी आप अपना टेक्स्ट रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। अब ये करने के बाद हम फर्स्ट टेक्स्ट को अनहाइड करेंगे और इसको फर्स्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और टैब प्रेस करके, आप वैसे भी कर सकते थे चेंज, मैंने करा नहीं। ओके, तो कर लिया अब मैंने। और अब क्या करना है हमें, जो हम नंपैड 1 प्रेस करेंगे, 1 प्रेस करने के बाद यहाँ पर 5 प्रेस करेंगे नंपैड पर ही, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट 0। ये करने के बाद हमारा जो कैमरा है वो एकदम फ्रंट में सेट हो चुका है। हम प्रेस करेंगे शिफ्ट F, जो कैमरा व्यू है हमारा एकदम सामने लाने के लिए WASD, Q, and E से मूव होता है। तो लगभग यहाँ मैं ले आऊँगा इसको, थोड़ा सा मे भी और ज़ूम हूँ। ओके, एंटर प्रेस कर देंगे। अब क्या करना है, टेक्स्ट 0.001 लिख रहा है यहाँ पर, इस पर आई पे क्लिक कर देंगे हम, तो ये हट चुका है। अब देखिए थोड़ा सा इधर है, तो शिफ्ट F प्रेस करूँगा मैं अगेन सेंटर में लाने के लिए, थोड़ा सा जूम आउट कर देंगे। एंटर प्रेस कर दूँगा, देख लेता हूँ सेंटर में है कि नहीं। तो ये इधर जा रहा है बहुत, ओके थोड़ा सा जूम आउट कर देंगे तो कोई बुरा नहीं है। ओके, अब हमें क्या करना है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम, इसको एनिमेट करना स्टार्ट कर दें। तो स्टार्ट फ्रेम ये बाद में बताऊंगा मैं, तो यहाँ पे जो एंड फ्रेम है उसके बाद में एक और कॉलम बना हुआ है, उस पर क्लिक करके हम 40 टाइप करेंगे, जिससे कि जो हमारी फ्रेम है वो 40 पर आ चुकी है। जो ये ग्रीन कर्सर है हमारा 40 फ्रेम पर आ चुका है। तो आई प्रेस करेंगे हम और लोक रोड को सेलेक्ट कर लेंगे। लोक रोड सेलेक्ट करने के बाद हम शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो करेंगे 0, मतलब पहली फ्रेम पर आने के लिए, और हम करेंगे प्रेस RZ175, एंटर। देन प्रेस करेंगे हम RY175 एंड एंटर। देन हम इसको ड्रैग कर देंगे इस ब्लू एरो से नीचे, कैमरा से बाहर निकाल देंगे और प्रेस करना अगेन आई एंड सेलेक्ट कर लेना है लोक रूट को। ओके,
मूव द फ्रेम टू 80, यहाँ से मैं 80 फ्रेम पर इसको कर दूंगा, और आई प्रेस करना है, लुक रूट पर क्लिक कर लेना है। करने के बाद हम इसको 120 पर सेट करेंगे, 120 पर सेट करने के बाद हम प्रेस करेंगे RZ175 एंटर, और अब हमें इसको व्यू में लेके आना है। यहाँ पर लाने के बाद इसको यहाँ से नीचे ले जाऊँगा मैं, बस से ये ले जाने के बाद R प्रेस करना है और लुक रूट सेलेक्ट कर देना है। अब करने के बाद हम एंड फ्रेम को सेट कर देंगे 160 पर, ओके सॉरी एंड फ्रेम को सेट करेंगे 160 पर, ओके। देन फर्स्ट फ्रेम पर जाएंगे, अब मैं अनहाइड करूँगा सेकंड टेक्स्ट को, तो यहाँ से मैं इसको आई बटन पे क्लिक कर दूँगा, सॉरी ओके, अब इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद हम फ्रेम सेट करेंगे 120 पर, ओके 120 पर सेट करने के बाद की फ्रेम ऐड करेंगे हम इसमें, तो आई प्रेस करेंगे, लॉक रूट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से हम फ्रेम को मूव करेंगे 80 पर, और मेक श्योर जो टेक्स्ट है हमारा पहला उसको हम ऐड कर दें, ओके, और ये सेलेक्ट कर लेना है, ओके तो हाइड कर देना है। और अब हमें क्या करना है, RZ175 प्रेस करेंगे, इसको सेंटर में लेकर आएंगे लगभग यहाँ, और ऊपर ले जाएंगे और आई प्रेस करेंगे, लुक रूट सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो है सेलेक्ट करने के बाद हमारी जो एनिमेशन है लगभग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेम 1 पर सेट करेंगे इसको, और आई प्रेस करेंगे, लुक रूट पर क्लिक कर देंगे, ओके। तो अब हमें क्या करना है, इसको अनहाइड करना है, ऑल्ट ए प्रेस करना है, तो देखिए ओके नाइस, जो ये हमारी एनिमेशन है वो तो हम पूरी कर चुके हैं। मोशन ब्लर डालना है हमें, मोशन ब्लर और स्ट्रीक करना है, चमकाना है हमारे टेक्स्ट को। वीडियो को रोकने के लिए ऑल्ट ए प्रेस करना होगा, ओके शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, और तो सबसे पहले हम फाइल को सेव करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, और जो हमारा हम एक फोल्डर चूज कर लेंगे हियर, ओके जो इसको है फोल्डर सेट कर देंगे हम मेन के नाम से, मैं कर रहा हूँ मेन, ओके और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम अब क्या करेंगे, मटेरियल्स को ऐड करेंगे, तो जो सेकंड टेक्स्ट सेलेक्टेड है उसको सेलेक्ट कर देंगे, और जो एफ बना उसके पास में ही है मटेरियल्स पैनल, उस पर जाएंगे और न्यू पर क्लिक कर देंगे। न्यू पर क्लिक करने के बाद ब्लेंडर रेंडर टू साइकल्स रेंडर, ये इंजन है हमारे, तो चेंज कर देंगे वो बेटर व्यू एंड शेडिंग, एंड यूज नोट्स पर क्लिक करेंगे। यूज नोट्स पर क्लिक करने के बाद सरफेस है उसको हम ग्लॉसी कर देंगे, चमकने वाला, ओके। देन कलर की जो हैक्स वैल्यू है वो सेलेक्ट करेंगे हम, और सिंपली टाइप करेंगे हम 963D एंड 00 एंड एंटर, तो जो है ये सेलेक्ट हो चुका है। रफनेस को हम 0.3 कर देंगे, ओके। अब फर्स्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और न्यू पर क्लिक करेंगे, वही प्रोसेस, मटेरियल ग्लॉसी, कलर, हेक्स वैल्यू हम चेंज रखेंगे इस बार, तो मैं करूँगा 0075 एंड FF, ओके एंड एंटर, तो ये ब्लू कलर है।
और अब क्या करना है, रफनेस जो है वो 0.3 पर सेट कर देंगे हम। और अब हम नमपैड 1 प्रेस करेंगे ओके, और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। 5 प्रेस करेंगे ऑर्थोग्राफिक के लिए और इसको नीचे कर देंगे लगभग यहाँ ओके। तो अब क्या करना है, नमपैड 3 प्रेस करेंगे और इसको जो नीचे वाला जो टेक्स्ट है हमारा उसके जस्ट सामने ले आएंगे ओके। सामने लाने के बाद इसको नीचे करेंगे लगभग यहाँ शायद ओके। तो अब क्या करना है, साइज जो है हम इसका जो साइज है वो करेंगे 1 और स्ट्रेंथ जो होगी यूज नोट्स पर क्लिक करेंगे और स्ट्रेंथ करेंगे हम 5000। नंबर 0 प्रेस करेंगे, शिफ्ट जी प्रेस करेंगे और उम्मीद है आपको दिख रहा होगा व्यू। और क्या करना है हमें, अब जो वर्ल्ड है यहाँ पर वर्ल्ड है उस पर जाकर यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको पूरा डाउन कर देंगे ब्लैक ओके। और थोड़ा सा मूव करेंगे फ्रेम को ओके, अच्छा लग रहा है। तो सेकंड वाला टेक्स्ट भी हम देख लेते हैं, व्हाट द हेल ओके ग्लिच है ओके, अच्छा लग रहा है। तो शिफ्ट जी प्रेस कर दूंगा मैं, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, नंबर 3 प्रेस करूंगा अगेन और थोड़ा सा मे बी इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे जिससे कि थोड़ा अच्छा और ज़्यादा इस पर जो है लाइट पड़े। और अब हमें जाना है कंपोजिटिंग व्यू में। उससे पहले मैं एक बार वापस से हम प्रेस करेंगे नंबर 0 और फ्रेम सेट करेंगे 145। तो ओके शिफ्ट जी प्रेस करके देख लेता हूँ मैं ओके, नॉट बैड ओके। तो नंबर 3 प्रेस करूँगा 1 ओके। अगर मैं इसको यहाँ पर रखूँ और वापस से देखता हूँ कैसा लग रहा है, अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है ओके। तो क्या करना है हमें, इसके एकदम सेंटर में इसको रखना है नीचे वाले टेक्स्ट के या किसी के भी यहीं पे ही ओके ओके। अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब जाना है हमें कंपोजिटिंग व्यू में, यहाँ से अभी डिफ़ॉल्ट पर है। कंपोजिटिंग में जाने के बाद हम यहीं पर ही सेलेक्टेड रखेंगे इसको रेंडर लेयर्स पर और यूज नोट्स पर क्लिक करेंगे, बैकड्रॉप पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर ले आएंगे, इसको यहाँ पर ले आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ्ट क्लिक करेंगे रेंडर लेयर्स पर और इसको यहाँ पर ले आएंगे। अब क्या करना है, जो फ्रेम है 145 पर ही हो, मेक श्योर कि ओके। और सैम्पलिंग पर जाना है, अब इसको एडिट करेंगे तो हम इसको 10 कर देते हैं ओके। और रेंडर करेंगे तो मैं थोड़ा पॉज कर देता हूँ ओके। तो रेंडर होने के बाद जो हमारी इमेज है वो आ चुकी है यहाँ पर। तो इमेज को अगर हम छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा करने के लिए हम ऑल्ट वी प्रेस करेंगे और छोटा करने के लिए वी प्रेस करेंगे ओके। तो अब जो है यहाँ पर हमारी रेंडर हो चुकी है इमेज, और अब हम सिंपली ऐड करेंगे एक ग्लेयर नोट जरा, और इसको यहाँ पर व्यूअर और रेंडर लेयर्स नोट के बीच में हम ड्रॉप कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है। तो अब जो है हमारा इसका एंगल ऑफसेट है जो हम उसको -1 कर देंगे ओके। अब 1 करने के बाद जो मैं ये है इसको मैं क्लोज करूँगा। ये क्लोज करने के बाद यहाँ से यूवी इमेज एडिटर से हम इसको टाइमलाइन में कन्वर्ट कर देंगे।
कन्वर्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देंगे। ओके, अब जो इसको हम सेट करेंगे 1 पर। ओके, अब 1 पर सेट करने के बाद हम आई प्रेस करेंगे इसके ऊपर जाकर। ओके, एंगल ऑफ लेट पर जाकर हम, सॉरी एक बार देखता हूँ मैं। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ लेट पर तो है, तो इसके ऊपर कर्सर को लेके आना है और आई प्रेस कर देना है। तो की फ्रेम सेट हो चुका है क्योंकि ये येलो हो चुका है। अब क्या करना है, जो हमारी एंड फ्रेम है उस पर ले जाना है हमारे कर्सर को। सॉरी, यहाँ पर से हम टाइप कर देते हैं सिंपली ओके, और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है हम कर देंगे 160, जिससे कि 160 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा, और आई प्रेस कर देंगे अगेन। ओके, तो हमारी जो एनिमेशन है वो तो पूरी हो चुकी है, बस हम इसमें मोशन ब्लर को ऐड करेंगे। ओके, तो हम जाते हैं हमारे डिफ़ॉल्ट व्यू में। सॉरी, वापस जाना पड़ेगा कंपोजिटिंग में, और जो ग्लेयर है उसकी इमेज को इसमें प्लग कर लूँगा मैं, और इसको कंपोजिटिंग में प्लग करना पड़ेगा, कंपोजिट में, सॉरी। ओके, और इसके बाद हम जाएंगे डिफ़ॉल्ट व्यू में। डिफ़ॉल्ट व्यू में जाने के बाद अब हम सेटिंग करेंगे रेंडर की। तो रेंडर जो सैंपल्स है वो हम रखेंगे 200, एंड मोशन ब्लर पर क्लिक करेंगे, और शटर वैल्यू हम कर देंगे इसकी 10। ओके गाइज, और अब क्या करना है, हमें डायरेक्टरी चूज़ करनी है, जो डायरेक्टरी जिसमें हम सारी PNGs को सेव करेंगे, और सेव करने के बाद हम जो डायरेक्टरी को सेव करने के बाद हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे वीडियो सीक्वेंस एडिटर में, जिससे कि वो एक पूरी वीडियो हो जाएगी, वीडियो बन जाएगी। ओके, वो मैं बताऊंगा अभी एनिमेट होने के बाद। तो एनिमेट पर क्लिक कर देना हमको सिंपली। तो गाइज, हमारी जो एनिमेशन है वो रेंडर हो चुकी है, पूरी एनिमेट हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, अब इसको वीडियो सीक्वेंस एडिटर में ले जाकर सारी PNGs को एक्सट्रैक्ट करना है एक वीडियो में। तो मेक श्योर आपने सारी PNGs को वहाँ पर सेव कर लिया हो, जैसे मैंने रेंडर करवाया था आपने वैसे ही किया हो। तो क्या करना है, तो यहाँ से कॉर्नर में एक छोटी सी इमेज बनी हुई है, उस पर हमें क्लिक करना है, और इसको हमें चेंज कर देना है वीडियो सीक्वेंस एडिटर में। अब यहाँ पे से चेंज करने के बाद हम यहाँ से नंबर टाइप करेंगे 1, एंड शिफ्ट ए प्रेस करेंगे। शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद हम इमेज पे क्लिक करेंगे। इमेज पे क्लिक करने के बाद जो हमने सारी PNGs को जहाँ पर सेव किया था वहाँ पर ही हम जाएंगे, और वहाँ पर जाने के बाद हम सारी PNGs को देख लेंगे एक बार, पूरी है ना। तो मैंने पूरी है सारी PNGs को सेव किया है, आप आधी भी कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो ए प्रेस करना है यहाँ पर, जिससे सभी की सभी PNGs सेलेक्ट हो जाएगी, और ऐड इमेज स्ट्रिप पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद हम एन प्रेस करके देख लेंगे कि जो हमारी स्टार्ट फ्रेम है वो 1 पर सेट हो, और लेंथ जो हो वो 160 पर हो, जिससे कि हमारी जो एनिमेशन है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और हमें क्या करना है, अब PNG जो फॉर्मेट हमने सेट कर रखा था उसको हम कर देंगे AVRAW या AVJPG, जो भी कर सकते हैं, जो मूवी में आपका जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, मैं AVRAW करता हूँ। और फिर क्या करना है, हमें सबसे नीचे आ जाना है, और जो पोस्ट प्रोसेसिंग है उसमें हम कंपोजिटिंग में भी राइट क्लिक हो रखा है, और सीक्वेंसर में भी राइट क्लिक लग रखा है, जिससे कि क्या है, हमारी जो एनिमेशन है वो सीक्वेंसर में जो हमने काम किया है वो होगा इसमें। तो अब क्या करना है, हम डायरेक्ट एनिमेशन पर क्लिक कर देंगे। अब एनिमेशन पर क्लिक करने के बाद तो देखिए कितनी जल्दी जल्दी रेंडर हो रही है, क्योंकि हमारे पास सारी सेव पड़ी है। तो ओके, ये सभी की सभी सेव हो चुकी है,
और हमें जब देखना है इसको तो रेंडर पर क्लिक करना होगा। रेंडर पर क्लिक करने के बाद प्ले रेंडर एनिमेशन पर क्लिक करना होगा। तो देखिए जो हमारी एनिमेशन है वो पूरी हो चुकी है। तो ठीक है गाइस, जो हमारी एनिमेशन है वो पूरी हो चुकी है और अब हमें क्या करना है, फाइल मैनेजर में जाना है जो भी आपका है। तो अब उसमें जाने के बाद आपको एनिमेशन खोलनी है अपनी। ओके सॉरी ये रही। तो आपको एनिमेशन अपनी खोलनी है और एनिमेशन में ही आपकी एक वीडियो पड़ी होगी, अब जिसको हम ओपन करेंगे। तो ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा, और अगर अच्छी नहीं लगी तो कमेंट करके मुझको बताइए कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है गाइस, जय हिंद, बाय बाय।